ये मैं एक बेसिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स का एक वीडियो बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आई एम डॉक्टर जी पी डंग, एसोसिएट प्रोफेसर इन डी ए वी पी जी कॉलेज, कॉमर्स डिपार्टमेंट, देहरादून। ये वीडियो मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को फायदा हो और वो उसको देख पाए। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और कंपनी अकाउंट्स का बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंपनी जो है जनता से पैसे लेती है, कॉरपोरेट एंटिटी होती है, कॉरपोरेट बॉडी होती है, और पब्लिक के मनी से गवर्न्ड होती है। तो इसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो इंटरफेरेंस सरकार ने अपना रखा हुआ है कंपनी लॉ की हेल्प से। तो गवर्नमेंट हैज मेड सर्टेन प्रोविजन दैट जो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी है। और कंपनी में दो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, दो पॉपुलर फॉर्म है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में दो शेयर होल्डर्स होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दो, सॉरी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो और मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो 7 होते हैं सब्सक्राइबर्स जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी जो है जनता से पैसे मांग सकती है, जनता के पैसे से बिजनेस कर सकती है, और प्राइवेट कंपनी जो है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, नॉन लोगों को पैसे देती है, पैसे लेती है, और नॉन लोगों से ही चलती है। जब मैक्सिमम 200 है तो इसका मतलब वो आम पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, क्योंकि ये एस्पेक्ट मेरा जो इस लेक्चर का है वो जो है वो बेसिक मोटिव इस बात पे है कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बेसिक एंट्रीज क्या होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। यहाँ देखिए, एक कंपनी जो है, कंपनी अकाउंट्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राइवेट कंपनी है इसके मिनिमम शेयर्स जो हैं वो दो हैं, शेयर होल्डर्स मिनिमम दो, मैक्सिमम 200। और जो पब्लिक कंपनी है उसके मिनिमम 7 है जो मेमोरेंडम में साइन करते हैं, और मैक्सिमम 9 लिमिट। फिर बच्चों, पब्लिक कंपनी ज्यादा पॉपुलर है, बड़े साइज की हो पाती है, तो पब्लिक कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक एज द नेम डिस्क्लोजेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और कंपनीज जो हैं इंडियन कंपनीज एक्ट से गवर्न्ड होती हैं, ये जो कंपनीज हैं इंडियन कंपनीज एक्ट से गवर्न्ड होती हैं। और ये जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है ये 2013 में रिवाइज हुआ था, और यही अभी चल रहा है, पूरा ही न्यू एक्ट आया था, इट वाज अ न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। फिर बच्चों आगे इसके कुछ बेसिक बातें और हैं जो मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल आपने लगाना है जनरल एंट्री में। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल हम लगाते हैं, हम इस तरह से ये रूल लगाते हैं क्योंकि मैं बेसिक कॉरपोरेट अकाउंटिंग एस्पेक्ट कवर कर रहा हूँ, कंपनी लॉ एस्पेक्ट नहीं। तो असेट प्लस डेबिट और असेट्स माइनस क्रेडिट, लाइबिलिटी प्लस क्रेडिट और लाइबिलिटी माइनस डेबिट, ये रूल आपने लगाना है। एसेट प्लस डेबिट, एसेट माइनस क्रेडिट, लाइबिलिटी प्लस क्रेडिट, लाइबिलिटी माइनस डेबिट, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इस रूल को आपने लगाना है, जनरल एंट्री का रूल है, और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत हेल्पफुल है। अब कोई कहेगा सर ये रूल कैसे लगाना है, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए बैंक, प्लांट, मशीन, डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, फर्नीचर, ये यदि ऊपर को जाते हैं आप तो इनको डेबिट करना, यदि ये नीचे को आते हैं तो क्रेडिट करना, यदि इनमें प्लस होता है तो डेबिट करना है, और यदि इसमें माइनस होता है तो क्रेडिट करना, क्योंकि मैंने असेट्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर। बैंक, प्लांट, मशीन, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, यदि ये बढ़ते हैं तो डेबिट करो, घटते हैं तो क्रेडिट करो। फिर आता है इसी में, यही रूल मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने एक बहुत बेसिक एंट्री यहाँ पर बताई है, बैंक जैसे इक्विटी कैपिटल इश्यूड है, ऐसे ही समझाने के लिए
इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इशूड। यदि हमने 1 लाख की इक्विटी कैपिटल इश्यू की है तो क्या एंट्री होने वाली है? ये बच्चों यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दो तरीके से लोग एंट्री करते हैं, कुछ तो मैंने देखा डायरेक्ट लिख देते हैं बैंक टू कैपिटल, और कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे 12th वगैरह की बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली बात तो यहाँ पर एक बात आप समझ लो, मेरे को बीच में फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, कंपनी को लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तीन तरीके से मिल सकते हैं। एक तो बच्चों कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगी। असली मेन ये होते हैं, दो तरह की शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस और इक्विटी। फिर कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है। अक्सर कंपनी डिवेंचर्स और इक्विटी में एक कॉम्बिनेशन रखती है जिसको हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। ये कंपनी मेंटेन करके चलती है डेट इक्विटी रेशियो को। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, और कुछ बातें अभी मैं और ले रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर कंपनी ने जब 1 लाख की कैपिटल इशू की तो मैं दो तरीके से एंट्री करके बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि पूरा पैसा एक ही साथ मांग लिया गया तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर क्योंकि ये टेम्परेरी सा अकाउंट है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, फिर हमने इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक एंट्री ये हुई। फिर अगली एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कैपिटल, ये कर दिया। तो इसमें दो एंट्रीज बनी। और यदि हम चाहें मतलब पहले बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हुई, फिर अगली एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को उठा के हमने पहले क्रेडिट किया, फिर डेबिट कर दिया और उसे कैपिटल में डाल दिया। फिर आता है अबव टू एंट्रीज की जगह सम पीपल मेक वन एंट्री, ये ज्यादा लिख देते हैं लोग जल्दबाजी में, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उनका कहना है सर पहले एक फैंसी तरीके से पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट ही कर दो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रूल लग गया ए मतलब एसेट प्लस, और कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी प्लस, ये भी ठीक है, ऊपर वाली दोनों भी ठीक है, जो आपको सूट करे। फिर आता है बच्चों यहाँ पर इसके बाद ये रूल हम लगाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एसेट प्लस डेबिट। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लंबी यदि दूर तक अच्छा सा कंट्रोल लाना है तो इस रूल को लगाइए, बहुत बेटर है। ये रूल रियल और पर्सनल अकाउंट की जगह पे लगता है, जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, असेट प्लस डेबिट, असेट माइनस क्रेडिट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, दोनों को लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, एक इंटरनल हो जाती है एक एक्सटर्नल। तो लाइबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट, एंड लाइबिलिटी बढ़े और लाइबिलिटी एंड कैपिटल घटे तो डेबिट। फिर मैंने बताया बैंक जैसे है वो असेट है और शेयर कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी है। अब कोई कहेगा सर जरा कुछ लाइबिलिटी के भी एग्जाम्पल दे दो, तो लाइबिलिटी के एग्जाम्पल हैं बच्चों क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और कुछ मन में ये सवाल आ रहा होगा सर प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या फर्क है, मैंने बताया असली डिसीजन मेकिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है, क्योंकि वो डिविडेंड के लिए फिक्स डिविडेंड नहीं लेते और वो सबसे बाद में डिविडेंड लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड की रेट, डिविडेंड क्या है, जो कोई आप देखिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप फील करिए आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो लोग कंपनी को पैसा देंगे उनको कंपनी से जो इंटरेस्ट मिलता है उसका नाम बदलकर यहाँ डिविडेंड रख दिया, शेयर इन प्रॉफिट। तो दो ही तरह के कंपनी के ऑनर्स हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है और इक्विटी को इक्विटी डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, इक्विटी को इक्विटी डिविडेंड मिलता है। तो ये जो है प्रेफरेंस और इक्विटी दो तरह की कैपिटल होती है, दोनों को डिविडेंड मिलता है। और ये कंपनी में इक्विटी बहुत जरूरी होती है, इक्विटी के ही कहने पर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होगा
और इनके कहने पर ही एनुअल जनरल मीटिंग में बाकी चीजें होती हैं जो अभी आपको हल्के हल्के पता चलेंगे। तो ये मैंने लायबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल दिए, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इनमें ये रूल लगता है लायबिलिटी प्लस क्रेडिट, लायबिलिटी माइनस डेबिट। और ये असेट और लायबिलिटीज आप इमेजिन करो, जो क्लास 11th 12th में किसी ने भी सीखा है, 11th में बैलेंस शीट में जो आप असेट्स में लिखते थे वो असेट है, जो लायबिलिटी में लिखते थे वो लायबिलिटी है, जो असेट्स में लिखते थे वो वाली आइटम यदि बढ़ रही है, आप बिजनेस के हिसाब से सोचो, यहाँ पर कंपनी के हिसाब से सोचो, कंपनी यदि इसे अपनी बुक्स में एंट्री कर रही है और कंपनी के असेट्स बढ़ रही हैं तो वो डेबिट हो रही है, और कंपनी की असेट्स यदि कम हो रही हैं तो वो क्रेडिट हो रही है, और लायबिलिटी यदि कंपनी की क्रेडिट हो रही है, बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है, असेट्स में हो गया बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी में हो गया बढ़ रही है तो क्रेडिट और घट रही है तो डेबिट। तो ये बच्चों बेसिक्स बातें मैंने अभी बताई, अब मैं बहुत बेसिक बातें और आगे बढ़ाता हूँ। फिलहाल अभी तक हम जो पढ़ा, हमने ये सीखा कि कंपनी जो है प्राइवेट या पब्लिक हो सकती है, कंपनी जनता से पैसे मांग सकती है, कंपनीज एक्ट 2013 में आया, उस एक्ट से कंपनी अकाउंट्स की बेसिक एंट्रीज होती हैं। फिर मैंने ये पढ़ाया अभी अभी कि 1 लाख के शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू करी इक्विटी, तो दो तरीके हैं, डायरेक्ट कर दो बैंक टू शेयर कैपिटल, और दूसरा तरीका है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले एक टेम्परेरी सा अकाउंट खोल दो, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल। तो पहले टेम्परेरीली उस पैसे को, बैंक तो आएगा ही, तो बैंक आएगा तो आपका रूल लग जाएगा ए प्लस, असेट बढ़ गई। मैं बच्चों ऐसे ही सोचता हूँ कि असेट बढ़ी या घटी कंपनी की, अब बैंक आया तो असेट बढ़ी तो डेबिट कर दो, और बैंक गया तो असेट कम हुई। अब आपने कैपिटल बोरो करी तो कर्जा भी तो है, कैपिटल क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी तो है ना, इसलिए इसको लायबिलिटी प्लस कर दिया, फिर यहाँ लायबिलिटी माइनस करके इसको लायबिलिटी प्लस कर दिया, मतलब हमने टेम्परेरी नाम लिखा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगली एंट्री में उसे उठा के कैपिटल में डाल दिया। तो फिर ये भी मैंने बताया कि कुछ लोग ये नाम बोलते हैं कि यार डायरेक्ट एक ही एंट्री करो, क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में डालो फिर कैपिटल में डालो, डायरेक्ट ही कैपिटल में डाल दो, ये भी चलता है, नेट इफेक्ट दोनों एंट्री का सेम आना है, बैंक टू कैपिटल, इसमें रूल लग गया ए प्लस और लाइबिलिटी में रूल लग गया एल प्लस। अब आता है यहाँ पर कुछ बातें वही वही और आगे चलाते हैं। फिर मैंने ये एंट्री तो अभी आपको बताई दी, ये रूल भी बताया, अब आगे सुनिए, फिर मैं यही असेट एंड लायबिलिटी को और एक दो एंट्री में लगा के बता रहा हूँ। फर्नीचर टू वेंडर, फर्नीचर खरीदा टू वेंडर उधार, फर्नीचर बॉट ऑन क्रेडिट, कंपनी ने ही, तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर टू वेंडर, फर्नीचर खरीदा एसेट प्लस और लायबिलिटी प्लस, फर्नीचर टू वेंडर, यही तो एंट्री होगी। तो फर्नीचर टू वेंडर में बच्चों फर्नीचर कंपनी का बढ़ा और कर्जा चढ़ा क्योंकि उधार खरीदा, और जब वेंडर को पैसे चुकाए पेड टू वेंडर तो लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट करो, और टू बैंक असेट माइनस। ये मैंने फिर वही फोर्थ रूल लगाने की कोशिश की आपको बताने की कि ये रूल क्यों लगाना जरूरी है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्यों सिखा रहे हो, देखो बच्चों जो हम लोग टीचर हैं हम जानते हैं कि रूल लगाने से ही नॉलेज सही आती है, रटी हुई एंट्री सही नहीं होती है। अब आगे है, ये मैंने बता ही दिया, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, ऑल अकाउंटिंग प्रोसेस इज डन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी कैपिटल इज मस्ट, कंपनी जब शुरू होती है इक्विटी कैपिटल मस्ट होती है, मस्ट होती ही है, क्योंकि कंपनी जब सब्सक्राइब करते हैं लोग, जो मैंने अभी बोला 7 सब्सक्राइबर्स, अभी मैं पब्लिक कंपनी को लेके चल रहा हूँ माइंड में, तो जो 7 सब्सक्राइबर्स होंगे वो इक्विटी ही होते हैं, जो कंपनी शुरू करने के लिए मिनिमम चाहिए होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऑप्शनल होती है, और प्रेफरेंस शेयर्स में मिलने वाला डिविडेंड फिक्स्ड होता है, इनको वोटिंग राइट नहीं होता डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या कंपनी के अलग जरूरी कामों में दखल देने का, इनको फिक्स डिविडेंड चाहिए और वो डिविडेंड इक्विटी से पहले चाहिए। डिबेंचर्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल होते हैं, काइंड ऑफ लोन होता है, और डिबेंचर्स जो है कर्जा है, और जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं डेट और इक्विटी के बीच में तो हम डिबेंचर्स ले लेते हैं, कॉम्बिनेशंस आर मेड।
डेट एंड इक्विटी के हम लोग क्या बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि अक्सर कंपनी ऐसा करती है कि कुछ पैसा डेट से बोरो करती है और कुछ इक्विटी से। इक्विटी तो मैं क्लियर कर रहा हूँ मस्ट है, जब एक कंपनी की शुरुआत ही इससे होनी है, जब एक कंपनी की शुरुआत ही इक्विटी से होनी है तो आप खुद समझ जाओ, मतलब इक्विटी के बगैर तो कंपनी बन ही नहीं सकती, और कंपनी कांट बी मेड व्हेन इट इज इक्विटी, व्हेन देयर इज नो इक्विटी। तो अब आता है अगला पॉइंट, कुछ बातें तो मैंने बता दी आपको हल्की हल्की, मैं देख रहा हूँ क्या पॉइंट्स हैं। फिर मैंने बताया कंपनी जो है, कंपनी इज रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी, ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, इसको समझ लीजिए कंपनी के मालिक कौन है, रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चलती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से है। मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स कई हजार हो सकते हैं तो सबके सब लोग तो कंपनी चला नहीं सकते, तो वो अपने कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम डायरेक्टर्स बोलते हैं उन्हें कंपनी में भेज दी, वो लोग कंपनी चलाते हैं जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो शेयर होल्डर्स ही सिलेक्ट करते हैं, और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ तो शेयर होल्डर्स भी होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, और जो कुछ ऐसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स नहीं होते, उनका कंपनी में मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए उनको लिया जाता है कि वो कंपनी से नॉन मॉनेटरी रिलेशनशिप में रहें और कंपनी को अच्छे अच्छे सुझाव दें। और जैसा कि मैंने बताया कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, सो ये बात क्लियर हो गई। अब आता है फिर मैंने वही एक एंट्री दोबारा से बताई, इक्विटी कैपिटल इशू करके मान लीजिए ये 4 लाख है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, ए प्लस और लाइबिलिटी प्लस, मैं बार बार वही एंट्री रिपीट कर रहा हूँ कि माइंड में बैठे। फिर आता है बच्चों यदि हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, कंपनी इशू 2 लाख रुपीज के 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर, ये हमने इमेजिनरी एक अमाउंट ले ली, तो एंट्री सेम है बैंक टू इक्विटी कैपिटल, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर कंपनी की बुक्स में एंट्री हो रही है, इस चीज को सबसे पहले अकाउंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये एंट्री किसकी बुक में हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंट्री हो किसकी बुक में रही है भाई, तो ये एंट्री बुक्स ऑफ कंपनी है, ये देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल एंट्रीज कहाँ हो रही है, बुक्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी इटसेल्फ इज मेकिंग इट्स अकाउंटिंग और द स्टाफ ऑफ द कंपनी इज मेंटेनिंग, बट द एंट्रीज आर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी ये एंट्री हो रही है। तो बैंक टू इक्विटी कैपिटल यदि इक्विटी इशू हुई और बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यदि प्रेफरेंस इशू हुई, ये रूल हमने बता ही दिया। फिर आता है बच्चों कंपनी, मैं तीनों बताया, देखिए प्रेफरेंस कैपिटल इशू करती है, इक्विटी इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। कोई बोले सर एक इशू करेगी तो क्या होगा, इक्विटी। सर यदि एक और इशू करे तो क्या होगा, डिबेंचर्स। तीसरी इशू करे तो प्रेफरेंस होगा, ये कॉम्पोजिशन होता है, ये आगे जाके पता चलेगा कि कंपनी को जो सुटेबल होता है वो कंपनी करती है, कंपनी कहती है मुझे ये सूट कर रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस पे और डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस पे वो फिक्स्ड होता है, ये मत भूलो। फिर है बच्चों आगे ये एंट्री एक बार देख लो, 5% डिबेंचर्स रुपीज 1.5 लाख के फेस वैल्यू 100, इट मींस 1500 नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड, यस ठीक है 100 ईच, इसको बोलते फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है जैसे आपने एक नोट देखा वो 500 है, दूसरा देखा 100 है, तो जो उस पर दिख रहा होता है वो फेस वैल्यू होती है, तो एक शेयर कितने का है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो यदि 100 का एक डिबेंचर है तो आपको 1500 डिबेंचर्स लेने पड़ेंगे 100 ईच, तब जाके कंपनी को आप 1.5 लाख रुपए देते, तो आप ये बोलोगे मेरे पास नंबर्स में 1500 डिबेंचर्स, तो बैंक टू डिबेंचर्स। इसमें सिंपल रूल लग रहा है बच्चों, असेट्स प्लस डेबिट और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस क्रेडिट, असेट प्लस डेबिट, एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस क्रेडिट, और इन डिबेंचर्स को
अभी आगे भी मैं बताऊंगा, डिबेंचर्स इंटरेस्ट दिया जाता है 1 साल के बाद या 6-6 महीने में 2 बार। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक, इसी पे दे दें 15 लाख का 15, 1.5 लाख का 15%, 22,500। एंट्री का रूल एक्सपेंस डेबिट एंड असेट माइनस, हमारा पैसा कम हो गया, गोज आउट वाला रूल लगता है, बैंक से जा रहे हैं ना बाहर, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो आपकी असेट्स कम हो रही है, बैंक बैलेंस असेट होता है। अब आता है बच्चों आगे कुछ बातें, फेस वैल्यू 100 टू बी रिडीम 100, इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, ये बहुत बेसिक बात है, इक्विटी कैपिटल को हम डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करते, ऐसा कंपनी लॉ में 2013 के बाद का कुछ एक कट ऑफ ईयर रहा होगा, उसके बाद से इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट मना हो गया था, जो भी कंपनी के डिसीजंस हैं, लेकिन उन्होंने बोला था स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो हम अपने जो हम अपने एम्प्लॉयज को या ऐसे लोगों को देते हैं जिन्होंने कंपनी को स्टैब्लिश करने में खूब खून पसीना बहाकर मेहनत की है, एग्जर्शन लिया है, स्वेट स्वेटिंग खून पसीना, उसको रिवॉर्ड देने के लिए हम उन्हें शेयर्स महंगे होते हैं मगर सस्ता देते हैं, तो जितना सस्ता देते हैं वो जो सस्ता लेवल है वो डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो जिन लोगों ने कंपनी के लिए खूब जान लुटाई हो अपनी, वरना नॉर्मल कोर्स में आम शेयर होल्डर को हम कभी भी वो नहीं देते बच्चों, इस पे शेयर्स नहीं देते, डिस्काउंट पे शेयर्स ये मना है, तो हम बैंक टू इक्विटी कैपिटल 100 एंड 100 ही करेंगे, हाँ प्रीमियम पे दे सकते हैं। अब आता है यहाँ पर, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए द कंपनी इश्यूड वन लाख के, ये क्वेश्चन बन गया, कंपनी इश्यूड ₹1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, रुपीज है वो, एट 10% डिस्काउंट एज स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए, तो अब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल में आ गया हमारे पास लाइबिलिटी प्लस 1 लाख, बैंक में आ गया असेट प्लस 90, और ये हमारा कैपिटल लॉस हो गया, लॉस है, लॉस डेबिट होता है, और इस लॉस को ऐसा कहा जाता है कि कंपनी को ग्रेजुअली ग्रेजुअली राइट ऑफ करना चाहिए, मतलब क्योंकि ये झटके में लॉस हो गया और इस कैपिटल के बेनिफिट आने वाले कई इयर्स तक मिलेंगे, तो इसको डिस्काउंट को पीएल में पूरा नहीं डालना चाहिए, हालांकि कुछ जगह पर कुछ लोग पूरा डाल देते हैं, तो वो बच्चों गलत ट्रीटमेंट है, सही तरीका यह है कि डिस्काउंट शुड बी ग्रेजुअली रिटन ऑफ, बिकॉज यू आर इशूइंग डिबेंचर्स और शेयर्स एट डिस्काउंट एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट एडवांटेज फॉर लॉन्ग ईयर, सो बर्डन शुड बी स्प्रेड। फिर आता है बच्चों डिबेंचर्स की एक एंट्री और है, डिबेंचर्स ऑफ 9% फेस वैल्यू 100 नंबर्स 2000 इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने क्या किया डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, 10% डिस्काउंट है, तो हमको मिलने वाला है इसमें बच्चों वी आर गोइंग टू गेट बैंक बैंक 1,80,000, हमको बच्चों बैंक मिलने वाला है 1,80,000, डिस्काउंट मिलने वाला है 20,000 टू 9% डिबेंचर्स, और रूल लग जाएगा हमारा असेट प्लस, और ये कैपिटल लॉस, लॉस मतलब जो लॉस बार बार हो वो रेवेन्यू होता है, जो लॉस रेयर हो वो नॉन रेकरिंग होता है, उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और ये बच्चों हमारी लायबिलिटी प्लस होगी, मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ, रूल लगाइए, कुछ भी तो नहीं है, 4 लाइंस हैं, असेट बढ़ी, अब बैंक बढ़ा, मुझे बताओ बैंक कहाँ लिखते हैं, अगर किसी बच्चे से मैं एक सवाल पूछू बेटा तो ये बता कि बैंक असेट है या लायबिलिटी, तो आप यही बोलेंगे सर असेट है, असेट है तो बताओ ये बैंक बढ़ा या घटा कंपनी का, आप बोलोगे सर बड़ा बड़ा तो डेबिट होता है, क्या है इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और डिबेंचर्स क्रेडिट हो गए, ये हमारी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट पे,
डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, जैसा कि मैंने बताया अब यहाँ पर 2 लाख का 9% है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो खर्चा होता है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 18,000 टू बैंक। एक्सपेंस खर्चा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड बैंक। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पेड सपोज, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो खर्चा, और सपोज हमने दिया 10,000, तो हमें एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना होता है। देखो आज हमने अगर जो अभी तक बात की, तीन चीजें लेनी है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस और इक्विटी, तो उन तीनों को कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिटर्न भी तो दोगे मेरे बच्चों। आप मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स बैंक में FDR करते हो तो कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा, क्यों देंगे हम बैंक को पैसे? तो यहाँ पे कंपनी को पैसे क्यों देंगे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स। दे विल गिव मनी बिकॉज दे नीड सम रिटर्न, तो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया, ये रिटर्न कंपनी दे रही है तो कंपनी के लिए खर्चा। अब अगला नंबर किसका है, प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट टू बैंक। प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड बांटने से पहले एक रूल है कि जितना प्रेफरेंस डिविडेंड बांटेंगे उसका अप्रॉक्स, मैंने टेंटेटिवली 21% ले लिया, इसका 21%, 10,000 का डिविडेंड है तो 10,000 का अप्रॉक्स 21% मैंने अज्यूम कर लिया। ऐसे ही कुछ बुक्स में है 20.3576 है, कुछ में 20.99 करके है, तो मैंने रैंडमली 21 ले लिया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट DDT डेबिट टू बैंक, तो ये रूल क्या लगा, प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंस है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी एक्सपेंस है टू बैंक एसेट माइनस। अब आगे बेसिक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैंने फिर इक्विटी डिविडेंड बांटा 20,000 का, तो जब मैंने इक्विटी डिविडेंड 20,000 का बांटा तो मैं क्या एंट्री करने वाला हूं, इक्विटी डिविडेंड डेबिट 20,000, DDT डेबिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डेबिट 4,200 टू बैंक, क्योंकि 20,000 का 21% मैंने अभी अज्यूम कर लिया 20, ये देना ही होता है, ये रूल है कि जितना कंपनी डिविडेंड बांटेगी उसका 21% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देगी। इंटरेस्ट पे ये रूल नहीं है, मगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे और इक्विटी डिविडेंड पे ये रूल है कि जितना डिविडेंड कंपनी बांटेगी उसका सर्टेन परसेंटेज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को देगी। अब आता है DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अप्रॉक्स 21% ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। फिर आता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये बात मैंने यहां लिखी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट इज कंपल्सरली टू बी गिवन बाय अ कंपनी, सो डेबिटेड इन PL अंडर द हेडिंग फाइनेंस चार्जेस। अंडर द हेडिंग फाइनेंस चार्जेस इसमें आता है, ये PL में आता है, इन PL अंडर द हेडिंग फाइनेंस चार्ज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना है। आपने बैंक से लोन लिया तो आप ये नहीं कह सकते सर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मगर आप अपने शेयर होल्डर जो कि कंपनी के मालिक है उन्हें कह सकते हो लॉस है भाई क्यों डिविडेंड दें, लेकिन बैंक इंटरेस्ट देना ही देना, इसलिए हमें ये देना ही होता है। फाइनेंस चार्जेस में ये आता है, PL में डेबिट होता है, इन PL मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऊपर भी यही बात लिखी है, डेबिटेड इन PL अकाउंट, इट इज डेबिटेड इन PL अकाउंट, ये बात मैंने लिखी है। फिर बच्चों यहां पर आता है इक्विटी प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड DDT ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड DDT ऑन इक्विटी डिविडेंड, ये जो आइटम है दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दीज आर एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का बंटवारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड शोन टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउअडेज PL एप्रोप्रिएशन इज मेड अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट हम जब बनाते हैं, किसी कंपनी की बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो PL के बाद PL अप्रूव बनता है। अगर आप जैसे पार्टनरशिप का याद करो, किसी बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ी हो तो वो PL के बाद PL अप्रूव बनाता है पार्टनरशिप में, यहीं पर कंपनी भी PL के बाद PL अप्रूव बनाती है, बस वो बनता कहाँ पर है, वो बनता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। जैसे मैंने ये लायबिलिटी साइड का बताया बैलेंस शीट का, तो लायबिलिटी साइड का कंपनी की बैलेंस शीट में, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये लायबिलिटी साइड है। यहाँ पे पहला आइटम आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में आता है
शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कैपिटल आते हैं, उनका टोटल यहाँ आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये यहाँ आता है, फिर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इसके बाद। तो ये जो चीज है बच्चों, ये शेयर यहाँ पर ये पीएल अप्रो बनता है, इसकी जब नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे उसमें पीएल अप्रो बनता है, बट वो पीएल की कॉन्टिन्यूएशन में ही बनता है। और पीएल अप्रोप्रिएशन में डिविडेंड, डिविडेंड लाभ, लाभ जो है प्रॉफिट जो है उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड में जो हिस्सा है, प्रॉफिट में जो हिस्सा उसको डिविडेंड बोलते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हम देते हैं पीएल के बाद, पीएल अप्रो बनता है, बस वो ये ध्यान रखना है कि बनेगा कहाँ यार, कहाँ पे शो करना है इसको ऐसे। फिर आता है बच्चों इनकम टैक्स, एक बिजनेस का खर्चा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, इनकम टैक्स इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, क्योंकि सोल प्रोपराइटर में इनकम टैक्स को हम लेते थे ड्रॉइंग्स, बट यहां पर इसको लेते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर। प्रोविजन फॉर टैक्स इज क्रिएटेड एंड डेबिटेड टू पीएल, क्यों है ऐसा? अब आप कहेंगे सर इनकम टैक्स टू पीएल में डालो, देखो रीजन है, इन द सेम फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी कैन नॉट कम टू नो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। जैसे आप पीबीडी बनाते हो, आपको बैड डेट्स एक्चुअल नहीं पता होते तो आप पीबीडी बना देते हो, ऐसे यहां पर है, आपको एक्चुअल टैक्स नहीं पता, आप प्रोविजन बना रहे हो, खर्चा भी है और देना भी है, तो आप एक प्रोविजन बनाते हो, इसलिए क्योंकि अमाउंट नहीं पता होती, इसलिए पीएल में इनकम टैक्स पेड के बजाय यू डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स। सो कंपनी एस्टिमेट्स एंड क्रिएट्स प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जब कंपनी इसको क्रिएट करती है तो क्या एंट्री करती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कंपनीज प्रॉफिट इज, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ₹4 लाख है और टैक्स जो है 30% है, तो वॉट इज द प्रोविजन फॉर टैक्स, ये इनकम टैक्स है जो कंपनी पे लगना है 30% है, तो वॉट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा 4 लाख का 30%, 1,20,000, ये आ जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 1,20,000। अभी बच्चों बहुत सारे बेसिक्स बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है, ये ऐसे आ जाता है, और इसके अगेंस्ट कंपनी कुछ एडवांस टैक्स देती है तो उसको एसेट मान लिया जाता है, बिकॉज एक बार प्रोविजन बना दिया, इसके अगेंस्ट कंपनी कुछ एडवांस टैक्स भी कभी दे देती है उसको हम एसेट मानते हैं, क्योंकि मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, सपोज कोई कंपनी है, सपोज एक कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर 1920 है, तो उसको नहीं पता एग्जैक्ट इनकम टैक्स वाले कितने में टैक्स प्रोविजन फाइनल करेंगे, तो वो सिर्फ बेस्ट एस्टिमेट क्या बना सकती है कंपनी, प्रोविजन फॉर टैक्स ही क्रिएट कर सकती है, और 1920 में इफ इट वांट्स इट कैन पे सम एडवांस टैक्स, इट कैन पे सम एडवांस टैक्स, दिस कंपनी कैन पे एडवांस टैक्स, तो बस यही कंपनी दो काम, लेकिन तो पीएल में एडवांस टैक्स नहीं आता, प्रोविजन फॉर टैक्स आता, एडवांस टैक्स टू कैश में उसको, जैसे हम एडवांस दे देते हम कहते हैं सर हमने प्रोविजन भी बना दिया और कुछ कैश भी जमा कर दिया, अब सर आपस में एडजस्ट, हम आप बताओ कितने में क्लियर हो, मान लो मैंने 120 में बनाया और कुछ एडवांस टैक्स 110 दे दिया, तो पीएल में मेरा 120 चला जाएगा, जैसा कि मैंने अभी समझाया, तो सपोज मैंने 120 का प्रोविजन बनाया, तो मैंने एंट्री कर दी पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 120। अब मुझे इसके अगेंस्ट कुछ एडवांस टैक्स देना है, एडवांस टैक्स टू बैंक 115, तो इसमें रूल क्या लगे, ये तो मेरा पीएल हो गया, एक्सपेंस की वजह से डेबिट हो गया, और ये मेरी अप्रोक्सीमेट एक तरह से काइंड ऑफ लायबिलिटी हो गई, और ये मेरा एक्सपेंस की जगह डायरेक्ट पीएल लिख दिया, और ये एडवांस टैक्स मेरे लिए एसेट हो गया, और ये एक माइनस हो गया, मतलब कहने का ये करंट ईयर में मैं ये बोल रहा हूँ भाई मैंने रिटर्न डाल दी है 31 मार्च 2020 निकल गई है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, सपोज ये प्रीवियस ईयर 1920 है, मैंने प्रोविजन बना दिया है और इसके अगेंस्ट एडवांस टैक्स दे दिया, अगले साल अब जब 2021 में मेरा 1920 फाइनल होगा
तो मैं कुछ डिफरेंस होगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो अब मान लीजिए मेरा 123 में फाइनल हुआ तो मेरा ऑलरेडी टैक्स कितना जमा है, 1/15, तो मैं 8 और दे दूंगा, लो सर 8 और ले लो, मैंने बाकी तो दे ही रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आगे मैं कभी और अगले वीडियो में बहुत अच्छे से इलाबोरेट करूंगा। ये बेसिक वीडियो था, इसलिए बनाया गया कि एक जनरल आइडिया हो जाए और आप इसको बार बार सुनेंगे तब जाके समझ आएगा।